आप क्या क्या मेन्यू है आपका? मैं मायमी शेक है, टिक्का टॉक एंड ब्रूसली है। ब्रूसली ऑल मेन्यू चाइनीज है, टिक्का टॉक स्टार्टर तंदूरी है। ओके okay. आप खुश होंगे। तो गाइज आज हम जा रहे हैं एक अमेजिंग जगह, वो आपको पता जब हम जाएंगे तब आपको पता लगेगा। तो हमने सोचा मैं दीदी और जीजू और अरुण और आर्यन हम पांच जाने हम बाहर आए हैं उसे घूमने के लिए। तो सोचा हम वहाँ पे चलते हैं और आपको भी दिखाएंगे वहाँ का दृश्य, बहुत सुंदर है। लोग को एंड जरूर देखना, बड़ा मजा आने वाला है। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करते जल्दी से नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो पहले हम खाते हैं मोमोज, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं उस लोकेशन पे। तो चलो गाइस। हम अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। मैं आपको सारा व्यू दिखाती हूँ, जो बाहर का इतना सुंदर व्यू है और अंदर खाना कितना जबरदस्त होगा, मैं सोच के मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो लेट्स सी। Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so f- उसी अकॉर्डिंग नीचे थीम है। यहाँ बैठोगे? दीदी कितने है? गाइस ये जितना भी मेन्यू है ये सारा अलग अलग है। ओके तो ये आप अपना मेन्यू बताओगे, आप अपना मेन्यू बताओगे। ओके ओके आप क्या क्या मेन्यू है आपका? मैं मायमी शेक है, टिक्का टॉक एंड ब्रूसली है। ब्रूसली ऑल मेन्यू चाइनीज है, टिक्का टॉक स्टार्टर तंदूरी है। ओके नामी में आप पिज्ज़ा पास्ता फ्राइज विंग शेक्स मॉकटेल्स मिल सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं आप ट्राई करो, बेस्ट है। आप बस भी आया। तो गाइस यहाँ पे मेन्यू आ रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या सिलेक्ट करें। तो देखते हैं अब क्या लगवाते हैं, तो मिलते हैं आपको खाने पे। क्या बोल रहे जी? मैं जैसे यहाँ पर बहुत मेन्यू पड़े हैं रखे हुए हैं, ठीक है, तो अभी हमें भी समझ नहीं आ रही, तो इसलिए हम कह रहे हैं जैसे जैसे कुछ सिलेक्ट होगा हम उसको ऊपर करके बता देंगे। सही बात है, सही बात है। यहाँ पर मेन्यू की कमी नहीं है, देखो नीचे देखो कितना खाने वालों की कमी है। ये देखो गाइस मेन्यू, फर्स्ट टाइम इतने ज्यादा मेन्यू देखे बाबू के नीचे भी है। ये देखो कितने में मेन्यू, गाइस मेन्यू की कोई कमी नहीं है, बस खाने में कमी आता है। दीदी की फरमाइश आई थी कुछ, क्या बोल रही थी? मेन्यू दिया की कह रहे सीखे आर्यन की कह रहा है, मैंने जो आर्यन कह रहे हैं जो आर्यन बोलेगा वही खाएंगे, आर्यन ने तो बोला ही नहीं है। गाइस देखो हर एक जगह पे कितने सारे, मतलब कोई भी आता है गेस्ट यहाँ पे और वहाँ पे सारे जो है की गंदे है केरा पालंदे, मतलब इन्हें मंदे मारनो आंदे नहीं जमें केरा पालंदे। गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं हम यहाँ पे।
भी है, चीज कॉर्न भी है, पिज्जा भी है, चिकन भी है, मटन भी, सारी वैरायटी। वेज में पनीर ट्राई करो, पनीर अच्छा है हमारा। फाइनली गाइज हमारे जो स्टार्टर्स थे, जो हमारा शेक था वो हमने मंगवा चुका है, अभी थोड़ा सा सामान और आने वाला है। और गाइज इससे पहले हमने इंस्टाग्राम की रील शूट की है, तो आप वो रील्स देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके हमारा लिंक चेक करना। ओके बाय गाइज, मिलते हैं खाने के बाद। तो गाइज फाइनली सारा सामान आ चुका है और अब हम खाने लगे हैं, मिलते हैं आपको खाने के बाद। तो फाइनली गाइज अब हमने खाना वाना सब खा लिया है और अब हम फ्री हो चुके हैं। ये लोकेशन बहुत ज़्यादा मस्त थी और जो यहाँ का खाना था वो भी बहुत बढ़िया था। तो अगर आप भी आना चाहो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो ज़रूर विजिट करिए, बहुत अच्छा प्लेस है, बिल्कुल गोवा वाली फीलिंग आ रही है, बड़ा अमेजिंग मज़ा, इतना मज़ा आ रहा है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो गाइज अगेन आपको व्यू दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं घर और आपको मिलेंगे घर, तो आपको व्यू दोबारा से दिखा देते हैं। तो गाइज ये इतना ज़बरदस्त प्लेस है, मैंने आपको सबके रिव्यू भी दिखाए हैं और ये इतना मस्त प्लेस है, जो दिल्ली में वहाँ पे यहाँ पे आना जरूर चाहिए उन्हें, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ इससे बढ़िया को मैंने अभी तक जगह देखी है, चाहे वो मूथल ही ना हो, मुझे मूथल भी इससे बढ़िया नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे खाने की कुछ ना कुछ कमियाँ हर जगह रही जाती है, पर मुझको यहाँ पे कोई भी कमी नहीं लगी। एक बार आके देखो तो देखो कितने नज़ारे लूट रहे हैं ये जिंदगी के। तो जीजा जी आपका रिव्यू क्या रहेगा इसमें? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए जरूरी नहीं है कि कपल वगैरह ही आए, कपल भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है, बहुत अच्छा बना और प्राइस वगैरह इतना हाई नहीं है, नॉर्मल। कैसी फीलिंग आ रही है आपके यहाँ पे? बहुत अच्छी आ रही है, गोवा वाली फीलिंग आ रही है, लाइटिंग वगैरह तो देखने में बढ़िया, लाइटिंग वगैरह भी अच्छी की है, टेबल वगैरह भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लगा हुआ। अच्छा हमको सिखा रही है, फोटोशूट के लिए भी एंड है ना? हाँ जी, खाना भी अच्छा ना? खाना तो लाजवाब। वाह, तो दीदी और आर्यन आपने ना क्या व्यूज देना चाहोगे इसको? बहुत बढ़िया, मजा आया हमें तो। गाइस दीदी और चले गए हैं घर और अब हम मम्मी के लिए कुछ लेके जाएंगे, फिर उसके बाद हम भी जाएंगे घर, तो मिलते हैं आपको घर पे। ये सामान ले लिया है, अब मैं ये लो आगे टांग लो। भाई क्या हाल है, कहाँ घूम रहे हो, जा रहे हो? यार उनके फ्रेंड्स इसको मिल गए थे, तो चलो अब घर चले। फाइनली गाइस हम आ गए थे घर और अब हमने जो भी सामान लाया था वो हमने खा चुके हैं और हम सब फ्रेश वगैरह हो चुके हैं, जो भी हमने करना था वो हमने कर लिया है। तो यहाँ पे ब्लॉग का करते हैं एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, व्लॉग को एंड तक जरूर देखा करो, कमेंट करके बताया करो कि हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा है और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जल्द से नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।